तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टूरिस्ट स्पॉट पे मैं क्यों डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पिछले साल वैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मुझे टिप कितनी मिलती है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इधर पर कोई जॉब दिलवा दो भाई, मैं यहाँ नौकरियाँ लेके थोड़ी बैठा हूँ, मैं खुद इधर जॉब कर रहा हूँ, डिलीवरी बॉय का ही काम क्यों। अब आपको मैं बताता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे से, जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान या दूसरे कंट्री में बैठे हैं वो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई इधर की रिक्वायरमेंट क्या है। 19 लीटर की पानी की बोतल जो है ना भाई, एक बोतल ज़्यादा लगा लो कितनी दफ़ा दिन में कितने चक्कर लगाने हैं, मतलब बड़ा हार्ड काम है और मैं बड़ा हार्ड आराम सा बंदा हूँ। थोड़ी बहुत इतनी, मतलब मैं ये नहीं कहता यार 100%, तो मेरी खुद की नहीं 100%, इतनी तुर्किश हो गया आप किसी से रास्ता पूछ सको, किसी को अपनी समझा सको और उसकी समझ सको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज एक बार फिर से जो है मैं जॉब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, डिलीवरी बॉय की जॉब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ खास, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइशें की गई हैं कि भाई डिलीवरी बॉय की जॉब कैसे मिलती है, कितनी तनख्वाह होती है, काम कैसे ढूंढा जाएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा मैं हर संडे या अक्सर जो है ना गेमिंग चैनल पर लाइव भी आता रहता हूँ, डिपेंड करता है कभी मेरी संडे की छुट्टी होती है, कभी रेगुलर डेज में भी होती है, तो नॉर्मली मैं गेमिंग चैनल पर भी लाइव आता रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे लाइव गपशप करना चाहते हो, लाइव बातचीत करना चाहते हो, या जिसको लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो जाहिर बात है मैं यहाँ पे इस टाइम आप देख सकते हो टूरिस्ट प्लेस पे काम करूँ, गर्मियों में मोस्टली टूरिस्ट प्लेस पे ही काम करने आता हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ। तो बेहतर आप गेमिंग चैनल पे आ जाया करो, लाइव गपशप किया करो, लाइव में ज़्यादा मज़ा आपका जवाब उसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है इस वीडियो के ऊपर कि अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं मजीद जॉब के वाले से वीडियोज़ बनाता रहूँगा, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि यार मैं जॉब के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अगर आप चैनल को विज़िट करो तो ऑलरेडी जो मेरी वीडियोस है ना ज़्यादातर वो जॉब पे हैं कि जॉब कैसे ढूंढी जाती है। लेकिन फिर भी जो है ना लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जॉब पे वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह। तो कोई भी जॉब आपने करनी हो, ज़रूरी नहीं है डिलीवरी बॉय की हो, कोई भी जॉब अगर आपने करनी हो तो मैं आपको हमेशा वही वेबसाइटें रेकमेंड करूँगा जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो में भी की थी। अगर किसी ने वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको काम यहाँ पर कैसे ढूंढना है, किस तरीके से आप काम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो मोस्टली लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में या जो भी तुर्की से बाहर है उनको भी यही लगता है कि तुर्की में जो है ना वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है और हम इधर वर्क वीज़े पे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो पाकिस्तान में या तुर्की से बाहर है कहीं भी हैं, मतलब उनको क्लियर कर दूँ कि तुर्की में जो जॉब है ना वर्क वीज़े वाली जो जॉब है वो इतना ईजिली नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सर खपाना है, कोई कंपनी फाइंड करनी है जो आपको वर्क वीज़ा दे और फिर वही रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि वर्क वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है। पहला काम है आपका कंपनी फाइंड करना, तो बहुत मुश्किल कामों में से। दूसरी बात, अब जो यहाँ पर तुर्की में आए हुए हैं जो रह रहे होते हैं लोग, उनके वाले से भी बात कर लेते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे काम कैसे ढूंढना है। बड़ी सिंपल सी बात है, नेट का जितना अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको करना चाहिए, वेबसाइटों का जितना अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो वो आपके अपने ऊपर है, किस तरह से आप फ़ायदा लेते हो इंटरनेट से वो भी आपके ऊपर है। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको डिलीवरी बॉय के वाले से बताना चाह रहा हूँ, तो डिलीवरी बॉय की जॉब आपको साहिब बिंदन के ऊपर जितना आसानी से मिलेगी इतना कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि साहिब बिंदन एप्लीकेशन का ये बेनिफिट होता है आपको आप डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हो, उसको बोल सकते हो भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। लैंग्वेज ज़ाहिर बात है आपको इतनी लैंग्वेज तो आती होनी चाहिए कि आप उसे गपशप कर सको, किसी कस्टमर का एड्रेस पूछ सको, और रास्तों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं डिलीवरी बॉय में आपको एक दो काम ऐसे बताना चाहूँगा जिनमें रास्ते या तुर्किश थोड़ी बहुत भी आती हो ना तो भी वो लोग रख लेते हैं। मतलब पहला जो काम है ना नंबर वन पे वो है पानी का, जो गली मोहल्लों में पानी घरों में सप्लाई करते हैं ना वो लोग भी आपको डिलीवरी बॉय रख लेते हैं। क्योंकि जब मैं ये डिलीवरी बॉय की जॉब पे आना था ना, यहाँ पे आने से पहले मैं यहाँ डायरेक्ट डिलीवरी बॉय की जॉब पे नहीं आया, वो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे इस कंपनी में जॉब के लिए मैंने आना था ना उससे पहले मैं एक पानी वाले के पास गया था डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए, तो उसने भी मुझे रख लिया था, आँखें बंद करके रख लिया था, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी दे रहा था। लेकिन मैंने काम इसलिए छोड़ा था भाई 19 लीटर की पानी की बोतल जो है ना भाई, एक बोतल ज़्यादा लगा लो कितनी दफ़ा दिन में कितने चक्कर लगाने, मतलब बड़ा हार्ड काम है और मैं बड़ा हार्ड आराम सा बंदा हूँ, ये इतने हैवी काम मैं नहीं करता, सीधी बात है। तो पानी वाला जो है डिलीवरी बॉय को बड़ा ईजिली काम मिलता है आपको, पानी वाले के पास अब गली महल में जो भी पानी वाले उनके पास चले जाओ, बातचीत करो उनसे, पानी वाला भी नहीं तो फिर अगला जो है वो गैस वाला है। मोस्टली जगहों पे जो है ना गैस और पानी वाले इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अलहदा अलहदा भी हैं। यहाँ पे गैस के छोटे छोटे सिलेंडर मिलते हैं, उसकी भी डिलीवरी ऐसे ही होती है, क्योंकि यहाँ नेचुरल गैस हर जगह अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर सिलेंडरों वाले ही काम है, तो उसकी भी डिलीवरी बॉय का काम आपको आँख बंद करके मिलता है। लेकिन आपकी थोड़ी बहुत तुर्किश अच्छी हो, थोड़ी बहुत इतनी, मतलब मैं ये नहीं कहता यार 100%, तो मेरी खुद की नहीं 100%,
इतने तुर्किश हो गए आप किसी से रास्ता पूछ सको, किसी को अपनी समझा सको और उसकी समझ सको, इतना काफ़ी। अब बात कर लेते हैं साहिब बिंदन वेबसाइट की। साहिब बिंदन वेबसाइट आप जब भी वेबसाइट या मोबाइल में एप्लीकेशन खोलो, ठीक है, और इश इलन लार लिखा होता है, इश इलन लार पे जाओ, वहाँ पे आप जॉब्स में चले जाओ। इश जॉब्स इंग्लिश में बोलते हैं, इश इलन लार तुर्किश में बोलते हैं। तो इश इलन लार में जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पे अपने बाइक राइडर में जाना है, तुर्किश में लिखा होता है मोतरजू, तो आपने मोतरजू वाली में जाना है। वहाँ पे आपको बेशुमार रेस्टोरेंट में, पानी वालों में, हर जगह डिलीवरी की जो है ना एड्स मिल जाएंगे, उन पर डायरेक्ट आप कॉल करो, नंबर डायरेक्ट उधर ऑप्शन होती है कॉल की, कॉल पर क्लिक करो, डायरेक्ट जो है ना उसको कॉल चली जाएगी, उसको बोलो भाई मैं यहाँ रहता हूँ, ये जॉब करना चाहता हूँ। उसने रखना होगा आपको, रख लेगा, नहीं रखना होगा तो मना कर देगा। मोस्टली लोग समझते हैं कि नहीं रखते, या ये आपकी गलत फहमियाँ नहीं रखते, बहुत सारे लोग रखते हैं। मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे कितने दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का, यहाँ तक कि पानी का काम कर रहे हैं बहुत सारे जानने वाले मेरे लोग, गैस वालों के पास काम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, और डिलीवरी बॉय का ही काम क्यों। अब आपको मैं बताता हूँ रिक्वायरमेंट के वाले से, जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान या दूसरे कंट्री में बैठे हैं, वो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई इधर की रिक्वायरमेंट क्या है डिलीवरी बॉय की जॉब की। देखो शुरू में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क वीज़ा इतना आसान नहीं है। बहरहाल अब रिक्वायरमेंट की अगर आप बात करो तो बड़ा आसान सा काम है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाला सीन ही कोई नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, लैंग्वेज की ग्रिप है, तो आपको इजीली काम मिलेगा। अब मेरे पास देख लो, यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, बाइक का भी नहीं है, गाड़ी का भी नहीं है। लाइसेंस कैसे कन्वर्ट होता है मुझे ये भी पता है, मैं बनवा भी सकता हूँ अपना, लेकिन मैं वो भी नहीं बनवाता, फिर भी मैं डिलीवरी बॉय के काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं माशाल्लाह इलीगल है, इलीगल होने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लो रिक्वायरमेंट वाला क्या सीन है यहाँ पे, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हो। इसके अलावा मैं जैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे आके काम ढूंढना बहुत मुश्किल कामों में से एक है। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं भाई हमें इधर पर कोई जॉब दिलवा दो, भाई मैं यहाँ नौकरियाँ लेके थोड़ी बैठा हूँ, मैं खुद इधर जॉब कर रहा हूँ। अपनी ड्यूटी के बाद इतना टाइम नहीं होता कि किसी के लिए कोई जॉब ढूंढे बंदा जाके, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। आप इधर अंदाज़ा लगा लो, आप एक कमेंट नहीं कर सकते तो किसी की वीडियो पर, तो आपके लिए कोई काम कैसे ढूंढेगा। बार आगे पीछे कोई बोलता रहता है तो मैं उसकी भी वीडियोस बना देता था कि भाई फलां जगह पे ज़रूरत है, आज अक्सर बनाता रहता हूँ, जब ज़रूरत होगी तभी बनाऊंगा, जब ज़रूरत नहीं होगी तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ कि भाई कहीं पे ज़रूरत है बंदे की। तो रिक्वायरमेंट के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि रिक्वायरमेंट वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं लीगल इलीगल वाला भी कोई चक्कर नहीं है तुर्की में, ठीक है, जहाँ मर्जी जाओ जैसे मर्जी रहो, फ़र्क यही है कि इलीगल को आजकल इस टाइम बहुत ज़्यादा सख्ती है, पुलिस बहुत जगह पकड़ लेती है, तो लीगल होने का आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आप इजीली घूम फिर सकते हो, काम कर अपने लिए ढूंढ सकते हो, कोई टेंशन नहीं रहती बंदे को। और टूरिस्ट पॉइंट पे जैसे मैं इधर काम कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और इलेक्ट्रिक बाइक का वैसे भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, गली मोहल्लों में जिधर भी आप काम करो लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरत होती है हाईवे पे, रोड्स पे, कहीं ऐसी जगहों पे आपने जाना है तब लाइसेंस की ज़रूरत होती है तुर्की में, अगर आपने ऐसी जगहों पर डिलीवरी वगैरह काम कर। ऐसे ये गली मोहल्ले में काम करो, इधर कोई चक्कर ही नहीं है भाई, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं है, अगर कोई पकड़ ले वो फिर आपका नसीब बड़ा हुआ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बार बड़ा आसानी से मिलती है। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ डिलीवरी बॉय की जॉब टूरिस्ट स्पॉट पर, मैं क्यों डिलीवरी बॉय का काम करता, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पिछले साल वैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मुझे टिप कितनी मिलती है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टूरिस्ट स्पॉट क्या है। अभी भी मैं उसी जगह पर काम कर रहा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा सीज़न है यहाँ पर। तो ये बहुत वीआईपी जगह है, पहले आपको बता दूँ, बहुत महंगी जगह है ये भी आपको बता दूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब करने आता हूँ। अगर यहाँ पे घूमने फिरने भी आए ना बंदा, तो मैं कहता हूँ 2-4 हफ्ते काफ़ी हैं बंदे के, 2-4 दिन सॉरी काफ़ी हैं बंदे के लिए, क्योंकि जगह बहुत महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है। महंगाई के वाले से अगर आप बात करो, तुर्की का जो फर्स्ट शहर है ना बोदरूम, वो टॉप पर आता है, बोदरूम के बाद ये गोजेक टॉप पर आता है। बोदरूम यहाँ से 2.5 घंटे दूर है, तो आगे आप अंदाज़ा लगा लो ये कैसी प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस जितनी भी होती है ना तुर्की में, कि आपने पाकिस्तान में मरी देख लो उसका भी यही हाल है। तो टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ भी कहीं भी दुनिया में चले जाओ वो महंगी ही होती हैं नॉर्मल रूटीन की नस्बत। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।